मेरा नाम इंदरप्रीत है और जसप्रीत भाई में क्या है? दूसरे माइक में भी नाम सेम ही है इंदरप्रीत और तीसरे माइक में भी सेम ही नाम है इंदरप्रीत। चाय बहुत बढ़िया जी, अच्छी लग रही है। बिल्कुल सही, चाय बना लाना और चलते शो में हमें ला के दे देना। इंदर चलते शो में चाय पियोगे? ठीक है जी। चाय, चाय की तुम्हें जरूरत पड़ती है, तुम इतना काम करते हो। मैं एक्चुअली चाय पीता नहीं हूँ। पीता नहीं हूँ तो फिर पीने की आदत पीने की आदत कैसे पड़ी? सो ये लाइक आउट ऑफ कर्टेसी, मना नहीं करना चाहिए बट मैं पीता नहीं। इंदर इज अ सोशल टी ड्रिंकर। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. इंदर कैसा लगता है आप जब एक सर्टेन एज ग्रुप, एक बहुत ही सीनियर एज ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो? वेयर आई थिंक ज़्यादातर लोगों की एज 50 प्लस है, 55 प्लस है, कितनी है? और कैसा लगता है आपको जब आप उन लोगों से पहली बार मिलते हो, मतलब किसी एक नए सीनियर एज ग्रुप से, एक नई फैमिली से आप पहली बार मिलते हो, क्या चल रहा होता आपके मन में? सो अभी तो ऐसा हो गया कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि अभी सीनियर, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ ना कुछ मेरी, क्योंकि जैसे मेरा अभी मेरी एज के ग्रुप का सर्कल बहुत कम है और क्योंकि मेरा जो खुद का फोकस रहता है कि सीनियर्स के साथ मैं कैसे अपना इंगेजमेंट, जो इंट्रैक्शन है उसको और इम्प्रोवाइज करूं, तो मैं एकदम से ऐसे मेरे सब सेंसेस, दिमाग चालू हो जाता है और मैं खुद एक्साइटेड सा फील करता हूं उनके साथ बात करने के लिए। तो वो तो रहता है बट उसके साथ साथ ऐसा है जैसे मेरे खुद के एज ग्रुप का इंट्रैक्शन या वो, सो वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कई बार मैं बैठ के सोचता होता हूँ कि लाइक क्या हो रहा है, कहाँ पर मुझे क्या करना है, लाइक जब मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने आप में बैठा हुआ। तो बट इन टर्म्स ऑफ लाइक इंगेजमेंट विद सीनियर, दिस इज़ ऑलवेज ऑलवेज नाइस, ब्यूटिफुल। थोड़ा सा ऐसे मस्ती मज़ा भी रहता है मेरा, उनको पिंग करता रहता हूँ जैसे, मतलब लाइक यू आर इन कॉन्स्टेंट टच सीनियर्स के साथ? हाँ, सीनियर्स के साथ तो कॉन्स्टेंट टच रहता ही है। इंदरप्रीत हैज़ फाउंडेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रे शेड्स, वेयर ही इज़ ऑफरिंग मीनिंगफुल इंगेजमेंट एंड फेलोशिप्स टू सीनियर एज ग्रुप, है ना? अब खैर आप ही बताओ क्या करते हो, बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल एक नई चीज़ है। हम लोग कभी कभार अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपना एक जो हमारे पेरेंटल एज ग्रुप है उनकी तरफ हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो प्लीज़ आप बताएं कि ग्रे शेड्स क्या है। सो आई गेस द कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि जो आपने बोला मीनिंगफुल इंगेजमेंट, तो मीनिंगफुल इंगेजमेंट उनका किस तरीके से हो सकता है, वो ये था कि अगर हम, मैं एक सिनेरियो की बात करता हूँ जहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो ओल्ड एज होम है, तो वहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट्स व्हाट दे डू एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन जो रोटी, कपड़ा, मकान है, मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता रहता हूँ बिकॉज वी नीड टू इम्प्रोवाइज मोर के हम जो ऑफर कर रहे हैं एज अ सोशल सर्विस और एज अ इंस्टीट्यूशन, जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं अपनी सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन के वेलबींग या उनके टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो बहुत सारा इसेंशियल रह जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान लिमिटेड है, विच इज़ इसेंशियल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट सफिशेंट। सो उसके बाद जो शुरू होता है, जो हम बात कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की नीड्स इन टर्म्स ऑफ, ये आएगा ना माइक में, ये मैं अभी उतार देता हूँ। अच्छा, जो सोशल इमोशनल इंगेजमेंट है और उनका मीनिंगफुल लाइक किसी ना किसी तरीके से पर्पसफुली, मीनिंगफुली अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज रखना, तो वो कॉन्सेप्ट है। और उसको बढ़ाने के लिए वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ग्रे शेड्स। सो ग्रे शेड्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सीनियर सिटीजन की वेलबींग के लिए काम करती है और हम फोकस ये कर रहे हैं कि जब उनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है वो अपने आप को कैसे मीनिंगफुली इंगेज रखें, प्लस वो टाइम एक सेलिब्रेटेड होना चाहिए, वो टाइम एक इस तरीके का होना चाहिए कि जो रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। बिकॉज इफ़ यू सी द फैक्ट्स इज लाइक वन इन एवरी टू सीनियर सिटीजन आर
आर स्ट्रगलिंग विद लोनलीनेस, वो अकेलापन महसूस करते हैं, वो बोर होते हैं, वो हेल्पलेस महसूस करते हैं. एंड अगर ये सिनेरियो को चेंज किया जा सके कि उनका एंगेजमेंट मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में हो, तो वो एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उनका एजिंग के टाइम पे है वो बेहतर हो सकेगा. मुझे एक ये चीज़ नहीं समझ में आती कि वाई हमारी जॉब्स में 58 या 60 के बाद रिटायरमेंट दे देते हैं. आई मीन मुझे लगता है कि आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इट थ्रू आर टॉक. आई थिंक वो लाइफ का ना एक 3.0 फेज होता है. मैं 1.0 फेज इसको कहता हूँ कि जब आप लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो और आप कुछ पढ़ रहे होते हो, आप एजुकेशन एक्वायर कर रहे होते हो, यानी कि इंडिया में 18 या 21 22 की एज तक जब तक आप ग्रेजुएट होते हो, मतलब यू आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन योर मिडिल क्लास बच्चा या यंगस्टर टीनेजर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट फॉर द एजुकेशन एंड एवरीथिंग टिल यू आर इन मतलब यू डिपेंडेंट. Then you set out to make your life. Then you get your job, you get your second job, your third job. Perhaps you get married or you live a very substantial life. You go through your highs and lows, you set up companies, you change jobs, you get promotions, increments, whatever it is. And then that phase goes up for another 35, 40 years. When you make the most of your key investments in life, then you have children and then you raise them up during that time. And when your children grow up by that time and your so-called work environment makes you declared as retired. And by that time, you actually feel that you have done with your responsibilities and now you can live for yourself. And that is the time the society declares you as retired. तो ये होता है कि नहीं, आई थिंक है ना, मेरा ये मानना है. एंड उसके बाद देन यू सीक मीनिंगफुल एंगेजमेंट, क्योंकि अब जब जॉब की आपका पीक ख़त्म हो गया है 60 की एज में या 58 यू रिटायरमेंट, और उसके बाद यू आर लेफ्ट विद नथिंग टू डू, मे बी देन नोबडी, लोग आपको मीनिंगफुली एंगेज नहीं करते, एम्प्लॉय करना नहीं करते. हालांकि आई फील देर इज़ अ ह्यूज रिफॉर्म कमिंग इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, दैट with educational institutions, with a lot of private companies, they don't let you retire. Jee. And I'm so happy to say that if you are making films, you never retire. I think I feel blessed. I may be the most meaningfully engaged person having lived matlab bahut bade sare experiences, and that will be the time I'll have the most experiences, right? So इसमें I guess ये बहुत important है understand करना. पैसा ज़रूरी है. मेरे लिए भी ज़रूरी है, मुझे भी लाइक प्रेशर पड़ रहा है कि अभी अपना कुछ देखो स्टेबल वो. बट अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो एक टाइम पे जाके आपको रिटायर्ड होना पड़ेगा. सो व्हेन यू आर सेइंग कि मैं फिल्म्स कर रहा हूँ और आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं कभी रिटायर्ड होऊंगा कि नहीं, तो जो आज के चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब सीनियर सिटीजन काम के लिए गए थे, जो आज के सीनियर सिटीजन हैं, अगर उनको उस टाइम पे सिर्फ ये नहीं था कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसे के लिए काम करना है, तो वो आज के टाइम पे ऐसा लाइक रिटायर्ड तो वो होंगे ना जो अभी बस पैसा कमाने के लिए गए थे और उनका अभी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी कितना पैसे और कमाएंगे. ये होता है कि अगर आपका बहुत ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट है सो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई रिटायर नहीं है. अप्रोच चेंज हो जाएगी. इट इज़ अ सैड रियलिटी कि हमारे जो सीनियर हैं, टेक्निकली सिस्टमेटिक जो पॉलिसीज हैं या जो हमारे रूल्स हैं, लॉज हैं, वो उनको टेक्निकली रिटायर्ड कर देते हैं, बट देर आर डिफरेंट वेज दे कैन स्टिल एंगेज इफ दे नो वॉट दे वॉन्ट टू डू और वॉट दे लाइक द मोस्ट टू डू. तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, उसमें रिटायरमेंट का कुछ इतना ज़्यादा इशू नहीं है. तो इसलिए ये होता है कि जिनको ये टाइम नहीं मिला फिगर आउट करने के लिए, तो अभी कौन सा लाइफ खत्म होगी. सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 60 के बाद जो 3.0 हाँ, तो वो एक उनको हेल्प करने के लिए, एक फैसिलिटेट करने के लिए. आई थिंक इज इट मोर लाइक गोइंग विद द माइंडसेट कि आपको इंकरेज करना कि देर आई मीन लाइफ में वो एक बड़ा पॉज नहीं आ गया. आई मीन यू कैन फिगर आउट वेज या व्हाट हाउ डू यू गो अबाउट, डू यू काउंसिल देम या आप उनको कोई राह दिखाते हो या व्हाट आपका कैसा रहता है, व्हाट इज द फेलोशिप, एक्सप्लेन मी व्हाट द फेलोशिप इज, व्हाट डू यू डू विद देम. सो जो अप्रोच है ग्रे शेड्स का वो ये है कि हम उनको कुछ बता नहीं सकते. मेरी एज के तीन लाइक थ्री टाइम्स दे आर एंड उनका लाइफ एक्सपीरियंस वर्क लाइफ में मेरी पूरी उम्र से ज़्यादा होगा. सो वी डोंट टेल देम
इट्स अ एक्सपीरियंशियल जर्नी. सो जितनी भी इंगेजमेंट होती है उसमें फैसिलिटेट ये होता है कि सबको साथ में लेके आके वो एक स्पेस में एंटर कर सकें जहाँ पे वो खुद को बेहतर तरीके से जान सकें. सो आंसर्स उनके पास हैं. वी क्रिएट स्पेस, वी फैसिलिटेट एक्टिविटीज इन अ वे वेयर दे आर एबल टू टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड देन डिसाइड. तो ये जो जर्नी है ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है. तो जो हमारा पहला जो प्रोग्राम भी था ग्रे शेड्स फेलोशिप, अभी कोविड की वजह से वो होल्ड पे है. हमने दो बैचेस कंडक्ट किए, 30 लोग ऑलरेडी फेलोशिप का जो रिसीविंग एंड पे थे जिन्होंने वो कंप्लीट किया. तो सो चलते शो में चाय. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. लाइए लीजिए सर. हाँ जी. सो दिस इज आउट ऑफ कर्टेसी के मैं मना नहीं कर सकता, वो भी ऑन कैमरा के. और जसवी भाई ने चाय ऑफर करी और इंद्रप्रीत ने मना कर दी. तो वो 6 महीने का जर्नी है. इट्स अ 100-day कोर्स स्प्रेड्स ओवर 6 मंथ और हर रोज वो एक नई चीज अनफोल्ड करते हैं, उसको समेटते हैं. तो इतने टाइम वो भी लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना. एक फैसिलिटेटेड प्रोसेस के बाद वी सॉ लाइक अमेजिंग आउटकम्स उनके साथ. आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ उनके कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ उनकी क्लैरिटी, एक खुद का जब आप माइंडसेट की बात करते हैं, आई गेस दैट्स ऑल्सो द एटीट्यूड विच दे गो हेड विद. इट्स मोर ऑफ के उनका परस्पेक्टिव शिफ्ट होना कि एजिंग लाइफ को लेके मेरे परस्पेक्टिव क्या है. एक सीनियर को आप बिठा के अगर किसी से बात भी करो ना कि आपकी एज अभी 60 है और इट्स अ फैक्ट अगर सब चीज़ें नॉर्मल चलेगा तो आप 30-35 साल अच्छे से जी पाएंगे. एंड मिनिमम लेवल की भी लाइक पंजाब में वी आर दी हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ कि अगर आज सीनियर 60 है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 60 इज दी हाईएस्ट अक्रॉस कंट्री. वंडरफुल. तो ये जो उनको पता है कि ये ऑन एन एवरेज तो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा जिएंगे जो 60 तक पहुंच गए पंजाब में. तो वो एंड सिमिलर टू ट्राई सिटी हम इक्वल मान सकते हैं, दी रिसोर्सेज एंड हेल्थ केयर सिस्टम वी हैव. तो आप बैठ के कभी उनसे बात करो, बिठा लो सीनियर को अपने घर पे या किसी के साथ भी, क्या आप 20-25 साल करोगे क्या? वो एक सवाल ही अगर वो बैठ के आपके साथ कॉन्वर्सेशन और ओपन अप होना शुरू हो, आपके लिए भी बहुत एनलाइटनिंग होगा, वो पर्सन के लिए खुद के लिए भी बहुत एनलाइटनिंग होगा. सो दिस इज अ अनफोल्डिंग. सो दिस वन क्वेश्चन इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ पावर, बट इफ वी डू इट इन अ मैनर वेयर दे आर मोर कंफर्टेबल टू थिंक थ्रू दैट क्वेश्चन, दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाइक विलिंगनेस उनका प्रिपेयर करना कि वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, उसका जवाब सोचने के लिए, समझने के लिए, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर काम करने के लिए. तो ये पूरा जर्नी ऐसे डिजाइन है. इंदर, यू कम फ्रॉम अमृतसर, राइट? यस. एंड हाउ वाज द सिनेरियो, व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि जब आपको ये आइडिया स्ट्राइक किया, हाउ वाज द सिचुएशन इन अमृतसर एंड हाउ इज इट डिफरेंट हियर? एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आई मीन लेट्स गो बैक इन टाइम एंड अ कपल ऑफ इयर्स बैक. एंड नो, आपके पास आइडिया कैसे आया? इट हैपेंड टू माई लाइफ. तो ऐसे नहीं कि मैं ऐसा करना चाहता था, बट मैं कुछ एक्सपीरियंसेस को, आई एम अ सेंसिटिव इमोशनल पर्सन, तो मैंने उसको, अगर मेरी लाइफ में अगर ये आया अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको फील कर सकूं, तो आई फील ग्रेटफुल कि आई हैड दी स्ट्रेंथ कि मैं उसको ऐसे ही ना जाने दूँ. लाइक आई शुड बी डूइंग समथिंग फॉर इट. तो मेरी बैकग्राउंड, इफ आई ट्रेवल बैक, तो मेरे दिमाग में अभी चल रहा था कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो कैसे था. आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो बाकी जैसे बड़े भाई बहन अपना अपना कुछ ना कुछ फिगर आउट कर रहे हैं. तो जब सबसे छोटा है उसके पास थोड़ा ज़्यादा फ्री टाइम रहता है मेरे फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि फैमिली वालों का कंसर्न सबसे बड़े पे, फिर अगर वो सेटल हो गया उसका सब हो गया, फिर उस पर आगे, फिर मैं लास्ट कंसर्न पे था. और लाइक जो मुझे करना है वो करने की लिबर्टी मिली.
So I born and brought up in a village setup. So 8th तक मैंने मेरा childhood जो enjoy किया है वो मेरे पिंड च मैं उठे रहा. मैं एक्चुअली सिविल सर्वेंट बनना चाहता था. तो मैं क्योंकि मेरे मन में ना ये बहुत आता था कि एक तो बहुत वो होता है ना कि सिविल सर्वेंट का, क्योंकि हमारे स्कूल पे ना विजिट किया था डीसी साहब ने उस टाइम, रुतबा अच्छा होता है. हाँ रुतबा अच्छा होता है, लाइक वाओ टॉर टॉर ऑन दी, तो ऐदा ही चाहिए थी. एंड एट द सेम टाइम द स्ट्रांग सेंस, बिकॉज आई यूज टू आस्क माई पेरेंट्स, माई फादर स्पेसिफिकली, कि यार आ जड़ी की एक ही हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट लाइक आई हैव दैट प्रिवलेज के वेयर लाइक नॉट मैनी प्रॉब्लम्स आर विद माई लाइफ, बट इफ आई एम सींग अ प्रॉब्लम आई हैव अ क्वेश्चन कि प्रॉब्लम क्यों आ. एंड माई फादर से इज लाइक यू कैन बी अ सोल्यूशन, यू कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, पर ये अवसर लगना पैंदा. So that led me somewhere ke mere dimag se ek siga, like I want to be an officer, and then Rutpa definitely. Then I landed up fast forward ke university pahunch gaya aur main social sciences ki thi, main arts ki thi isse karke ke main civil servant banna ke mainu mere number change aa gaye sige, like there are a lot of pressure in terms of from my teachers, principal ke yaar arts karni nahi chahidi tenu, but I was clear ke wo inni ka जिद डिटरमिनेशन सीगी शुरू तो. आई लैंडेड अप इन द यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, के हूँ मैं इतने सोशल साइंसिस करके तो आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसिज. फिर उत्थे जाके मेरा माइंडसेट चेंज हो गया. यूनिवर्सिटी का जो एक्सपोजर थीगा, जो मेरे अपने मन के अंदर सीगा कि कुछ सोसाइटी के लिए चंगा करके, बिकॉज आप सराउंडिंग्स तो कुछ ना कुछ ऑबजर्व करके, आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर the stories I fed जिदे नाल मैं वड्डा होया सुन सुन के, तो बहुत ज़्यादा चंगा रहना समाज दे लई कुछ करना, it's a good thing, and not in the family, अपना पंजाबी कल्चर जे आप आस पास देखिए सारा उमें तो इंस्पायर करता ही सीगा. बट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन ना कि वो हुन अगे जाके आई वॉज एक्टिव इन टू सोशल, लाइक पढ़न दे नाल नाल मैं थोड़े सोशल engagement active siga. So I started this initiative called I Responsible Amritsar at university, ke assi class ch ta pad liya oda ki practical assi kar sakde ha. Chhota ja thought process siga ke je ajj assi padde hoye kuch samaj de layi nahi kar sakde, kal nu change afsar vi tusi nahi ban sakde, kyunki books cannot teach you everything. And ek अंदर ना वो भी चाह सीगा कि हुने जाके कर लिए कुछ ना कुछ. सो आई स्टार्टेड एंगेजिंग थ्रू दैट प्लेटफॉर्म इन टू डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस एंड डिफरेंट कॉजेज एज वैल. सो आइडिया वॉज के असी सारे यूथ इकट्ठा होके कितने ना कितने जावांगे. सो उहदे चों एक जगह एक भी सीगी कि असी पिंगलवाड़े चले गए. पिंगलवाड़े सीनियर सिटीजनस का उत्थे जिहड़ी देख के ना, क्योंकि जिवें अज भी आपां कदे कदे स्कूल च देखिया जदों विजिट करन दे लई जांदे आ. सो ओल्ड एज होम से जो गए तो उत्थे क्लिक किया, मतलब वो क्लीयर नहीं सीगा मैं क्लिक किया, बट दैट एक्सपीरियंस मेरे दिमाग से कितने ना कितने सीगा. फिर हौली हौली करते करते ना मैं ये क्लीयर हो गया कि सिविल सर्विसेज इट्स अ गुड स्पेस, मे बी मैं उदे लई प्रिपेयर करदा, पर मेरे दिमाग से ये आ गया कि आई कैन डू समथिंग नाउ ओनली. एंड वो रुतबे का इन्ना ज़्यादा नहीं लाइक वो हौली हौली मिनीमाइज होंदा गया, प्लस जिहड़ी इंगेजमेंट सीगी, जिहड़ा मेरा एक्सपोजर सीगा, उहदे नाल ये उपर आउंदा गया कि आई कैन डू समथिंग ओन माई ओन विदाउट गैटिंग द टाइटल और एंटाइटलमेंट कि तुसी ऑफिसर हो, नाउ यू कैन टेक डिसीजन. सो रियलाइजिंग दैट पावर विद इन मी, लाइक विद इन दोज रिसोर्सिस, आई वॉज एबल टू डू समथिंग, एंड दैट वॉज वेरी मच रिवॉर्डिंग. लाइक जो तुम कुछ चीज़ की वह कुछ इंपैक्ट होया, यू फील इंपावर्ड एंड यू वॉन्ट टू डू मोर. एंड दैट्स हाउ वी लाइक आफ्टर माई ग्रेजुएशन, सो आई वेंट टू अंडरस्टैंड मोर, आई वेंट टू ऑल ओल्ड एज होम्स. सो छोटे जे शहर उस टाइम पर, मैंने हूँ एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट 9 ओल्ड एज होम उस टाइम पर सीगे. आई एम टॉकिंग अबाउट 2016. यस. सो जिन्ना जिन्ना मैं ये होर अंडरस्टैंडिंग दे लई जाता रहा with that mindset, because I did social sciences,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਈ ਸਪੋਕ ਟੂ 143 ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ 143 ਪੀਪਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ 2016 ਆਈ ਗੈਸ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਲਾਈਕ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਐੱਮਏ ਕਰ ਲਓ ਐੱਮਏ ਕਰ ਲਈ ਬੀਐਡ ਕਰ ਲਓ ਐੱਮਐਡ ਕਰ ਲਓ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਲਾਈਕ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਆਈ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਆਪਟ ਫੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਔਨਲਾਈਨ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐੱਮ ਏ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਲੰਬਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆਸ ਫੋਰ 1 ਲੱਖ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਲੈਪਟੋਪ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਉ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਖਰਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਨੈਕਸਟ ਬਟ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਗਿਵ ਅਪ ਔਨ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਐਜ ਅ ਸਪੇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੇਸ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਦੋਜ਼ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਆਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਪਰਪਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਕਮਸ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਸੋ ਫਿਗਰਿੰਗ ਆਊਟ ਈਵਨ ਇਨ ਐਟ ਐਨੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿ ਯੂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਲਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਸੇਵਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਫਰਦਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲੀ ਇੰਗੇਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਅ ਜੋਬ ਯਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਵਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੋ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਵਰ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਕੈਸੇ ਆ ਗਏ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ 12 ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਲੇਡੀ ਤੋ ਦੇ ਅਲੋਡ ਮੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਓ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਐਨੀ ਵੇ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਦੈਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਵਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ
लाइक जदों पिंडियां लाउणियां ते कोई आंटी चाह लेके आ रही है कोई अंकल उत्थे एंगेज आ एंड थ्रू आउट द प्रोसैस जदों पिंडियां खत्म हो गई उन्हों मतलब उन्होंने तोड़ना एंड दैन ओ जदों रोज़ वह ध्यान भी रखना भी अच्छा है हुण कित्थे आ की प्रोग्रेस आ एंड मेरा इंगेजमेंट हौली हौली उन्हां चों कटना शुरू हो गया एंड उन्हां दा आपस च वो वधना शुरू हो गया सो उहदे च लाइक उन्हों असी सस्टेन नहीं कर पाए ना बट आई गॉट टू लर्न अ लॉट बट इस टाइम तो फिर थोड़ा प्रैशर भी सीगा तेनू एक साल हो गया मतलब तू उठदा वा ओल्ड एज होम चले जाना वा उतों वापस आ जाना वा लाइक हाउ इट इज़ बेनीफिटिंग इन टर्म्स ऑफ माई पेरेंट्स आर सीइंग के यदि लाइफ से वैल्यू किमें ऐड हो रही है तो मेरे रिसोर्सिस भी खत्म हो क्योंकि डिपेंडेंट उन्होंने उपर तो फिर आई स्टार्टड के ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नाउ आई रियलाइज के मैनू हूँ अपने ते भी वो करना पाऊगा बट एट द सेम टाइम कि ये जिहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेरी रियलाइजेशन है जो मैं देख चुका एंड मैनू ये लगता कि मेरे च हिम्मत हैगी मैं इतने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता टू मेक दिस सिचुएशन बैटर एंड इट इज़ रिवॉर्डिंग फॉर माई ओन सैल्फ लाइक टू माई ओन सोल कि काम करके मैं बड़ा मज़ा आ रहा तो हाउ टू मेक दिस मोर स्ट्रक्चर्ड मोर इम्पैक्टफुल तो मोर लाइक इम्पैक्टफुल वैन आई से कि मैं होर लोगों की लाइफ च कुछ चंगा कर सकता सो आई रजिस्टर्ड द ऑर्गनाइजेशन स्टार्टड एक्सप्लोरिंग मोर वी गॉट अस रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट अपने दोस्तों इकट्ठे करके लाइक दो हज़ार तुम पाओ थोड़े जे भरा को पैसे फड़े वी गॉट इट रजिस्टर्ड एंड आई स्टार्टड अपलाइंग फॉर एट द सेम टाइम फॉर हायर एजुकेशन के मैनू कितों ना हूँ सीखन मिल जाए भी इनू किमें करना पता लग गया की करना एंड मैनू ये क्लीयर है कि मैं ये करना सो आई स्टार्टड अपलाइंग फॉर डिफरेंट सो आई वॉज लक्की टू गॉट इन टू अ गुड कॉलेज फॉर माई मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ डिवेलपमेंट मैनेजमेंट सो देर आई गॉट टू लर्न अलॉट सो जो खत्म हो गया फिर मैं वापस आ गया फिर नवे तरीके ना चीज़ा शुरू हो गई सो उतों खत्म करन तो बाद आई केम टू चंडीगढ़ विद माई टीम एंड तीन साल हो गए हूँ लाइक ग्रे शेड्स जो एक सिर्फ एक कॉन्सैप्ट तो शुरू होया सीगा कि मीनिंगफुल एंगेजमेंट सो इन्हां तिना सालां दी जर्नी च विद लीस्ट ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल के यार बच्चे की कर लेंगे विद लीस्ट रिसोर्सेस बट लॉट ऑफ लाइक सपोर्ट ऑल्सो केम इन आर वे कि बहुत सारी एप्रीसीएशन भी जो लोग इनू समझते जा जिन्हों मैं डायरेक्टली वन ऑन वन लाइक वी गॉट इन टच एंड यू आर सपोर्टिंग ऑल्सो गैटिंग कनैक्शनस के इन्हों मिलो इंदर तो इवें लोग दी सपोर्ट भी आई बट एट द सेम टाइम कि वी नीड टू बिल्ड समथिंग विच इज़ शोइंग पीपल रिजल्ट विच कैन बी रेप्लीकेटेड टू masses and bring happiness to more seniors like not only the 30 people jinna de naal assi kam kar chukke hain te oh journey like start evein da reha like upar niche karde karaunde but I now see like lot of impact our scope of intervention and sada jehda role hai jo ek like mere liye bahut emotionally start hoya बट नाउ विद दैट लर्निंग एंड क्लैरिटी के ऑर्गनाइजेशन इज लाइक ग्रोइंग एंड स्टैंडिंग ऑन फीट के जिथे वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है तो हाउ मैनी कितने हमारे सिटीजन्स हैं जिनको आपके प्रोग्राम से बेनिफिट हुआ है सब अभी तक फेलोज लाइक फेलोज जो हैं वो हमारे 30 हैं लाइक 30 लाइफ स्टोरीज वी हैव कि किवें सीनियर सिटीजन आफ्टर रिटायरमेंट 3.2 वाली जिहड़ी लाइफ जर्नी किवें स्टार्ट कीती एंड हाउ दे आर लिविंग नाउ विद डिफरेंट परस्पेक्टिव अराउंड देयर लाइफ एंड एजिंग सो वी हैव 30 पीपल ट्रांसफॉर्म्ड स्टोरीज के किवें किवें वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे एट द सेम टाइम वी इवॉल्व्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन कोविड हैपेंड वी वेंट इन टू हेल्पिंग पीपल के उदो ये इंटेंशन सीगी कि if this is something very unknown and people are looking for their own self who would look for senior citizen right so they are the most vulnerable group how they are going to manage like I remember that even the day like be
बाई मार्च से ही जदों लॉकडाउन खत्म लाइक लॉकडाउन कह रहे हैं लाइक कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हो गया सीगा एंड ओवरनाइट एवरीबडी वॉज लॉकड एंड ट्राईसिटी च बहुत सारे सीनियर सिटीजन कल्ले रहिंदे हैं राइट सो साडे टीम का यह आइडिया सीगा कि लाइक लेट्स बिकॉज फैलोशिप तो साडा ध्यान अजे क्योंकि वी ऑलसो स्टॉप क्लासेस लेट्स हेल्प दैम सो वी स्टार्टड हेल्पिंग हेल्पिंग इन अ वे के किसी भी सीनियर सिटीजन वी स्टार्टड फ्रॉम आर कम्यूनिटी राइट कि जे तुहानू किसी नू लोड पई तो तुसीं सानू दस दिओ विल मेक श्योर यू विल गैट वट एवर इज़ नीडिड बिकॉज वी आर अवेयर आवर फैलोज आर लिविंग अलोन आवर फैलोज आर लिविंग एज कपल अलोन अवे फ्रॉम देयर फैमिली देर आर विडोज विडोवर एंड ओनली वेरी फ्यू के जिन्हों के कोल उस टाइम पर इस तरीके हेल्प अवेलेबल है एंड एट द सेम टाइम दोज पीपल थिंक अबाउट लाइक इफ आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर वर्क और सम इम्प्लॉयमेंट और किसी भी रीजन का करके लाइक छोटे तो इदा भी लैके लाइक वैन कर्फ्यू वॉज देयर समबडी वेंट टू बॉम्बे एंड अनएबल टू कम बैक टू देयर पेरेंट्स सो उन्होंने लिए कि ज़्यादा हेल्प सी नॉट ओनली द सीनियर सिटीजन बट द अदर परसन हु इज एट प्लेस जेडे वो गार्डियंस ने सो ड्यूरिंग दैट प्रोसैस वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ ईवन इन द सैकेंड वेव मोर दैन 100 फैमिलीज जो वी आर इन टच लाइक इफ एनी थिंग इज नीडिड एंड वी आर वेरी श्योर के इस टाइम पर ट्राई सिटी के अंदर जो किसी सीनियर नू हेल्प चाहिए है वी वुड बी एबल टू प्रोवाइड प्लस के वी मेक श्योर के क्योंकि लाइक देर शुड बी सम सपोर्ट इज अवेलेबल इफ नॉट देन वी आर देर तो वी स्टार्टेड काउंसलिंग हेल्पलाइन वेयर ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन बहुत सारे लाइक जो मेंटल हेल्थ इशू है दैट स्टार्टेड सरफेसिंग एंड इट्स अ फीयर ऑल्सो क्योंकि हुण जेडे लाइफ असी ये एक डेढ़ साल से देख ली ओदे आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस भी है लाइक मैनी पीपल आर स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन राइट लाइक द पर्सन हु हैड अ एक्टिव लाइफ गोइंग टू पार्क हैविंग अ कम्युनिटी स्टेइंग होम फॉर सो लॉन्ग दे आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस टू गो आउट एंड टॉकिंग टू एंड एट टाइम्स इट डिफिकल्ट टू डील एट ओन like personally and that's the problem with any age group also kitna difficult hota hai na doston ki ek time aap ke paas kuch nahi hota khas kar logon se baat karne ka hi cha karta hai aur we as humans are social animals we always call hai na true ki we have friends we go to meet our friends and matlab ek certain age group thi jo hai जब पेंडेमिक हिट किया दे वर नॉट वेल वर्स्ड इन टेक्नोलॉजी कि भाई फ़ोन रखा और वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जूम कॉल कर रहे हैं एकदम सडनली वेव आई ऑनलाइन मीटिंग्स की एंड जो हमारे समाज के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं बुज़ुर्ग हैं जिनको हम कहते हैं मतलब आई विल नॉट कॉल 60 लिटरली एज सीनियर सिटीजन्स बट आई विल कॉल पीपल ऑफ द एज ग्रुप 70+, 70-75+ बेसिकली दोज़ हु जिनको बेसिक एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए भी हम एक बड़ा फ़ोन दिलाते हैं बिकॉज ग्रेजुअली उनकी आईसाइट भी वीक हो रही है जैसे हमारे ऑर्गन्स और हमारे सेंसेस 10 से 12, 15, 20 साल में ग्रो कर रही होती है बॉडी वैसे ही रिवर्स एजिंग प्रोसेस में बॉडी चली जाती है एंड देन यू suddenly feel left out I mean aur khas kar ye tab hota hai when you have been at your prime of health that feeling I would say ki I used to do this and I used to do that wahi main kal bahut achhi apne ek dost ke sath baitha tha aur wo kehte hai ki jab hum when we are 15 16 17 18 20 22 ke hote hai na tab hamare samne hamara future hota hai तो हम फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं ये करूँगा मुझे मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाएगा मैं यहाँ जाऊँगा व्हेन यू टर्न एट अ सर्टेन एज व्हेन यू आर 70, 75, 80 देन यू डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर देन यू मीट द एल्डर एज ग्रुप एंड दे टॉक अबाउट पास्ट आई डिड दिस वे बैक देन एंड आई डिड दैट वे बैक देन बिकॉज उनको अपने अहेड फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा होता उनको
I mean, it's a very hard emotion to really convey. But they don't see future ahead. I mean, they know, we know somewhere, but hume nahi baat karna pasand hota normally. I know the end, everything comes to an end, but this episode will come to an end. Any film that we make comes to an end. And even life, I mean, I will say life is the biggest film we can never make. Life is making us, we are not making life. I always believe in that. So they speak about the past. You meet elders and they will talk about their childhood, their growing up years, everything, their travel, their experiences. They will never talk about the future. Ki, oh, nah, 2 years I'm going to study this and do that. 3 years I'm going to go there and live that. Maybe if there's a wish or two remaining, they will talk about that. But they will never see, oh, I mean, aap kisi se nahi keh sun sakte ki at the age of 80 plus or 75 plus ki, oh, I will go there, I will do that, I will get married, or I will start a business, because I think they've seen the ups and downs of life. Hai na? And indar matlab main bhi yahi milta hu for my story and travel experiences. I meet and I feel a certain age group is the richest resource of experience. That's how I see it, and I engage them through the stories. That's how I do it. I go to them if they have been veterans in their own field, whether somebody coming from an architect background, somebody coming from a household background, somebody coming from a different state altogether, and I don't know that culture. Yes. So rather than me sometimes traveling to that state to learn the culture, I will learn about that from a person, koi buzurg se main seekh lunga, because they have lived that culture for like more than 6-7 decades. You're born in that culture, you evolved with that culture. So somebody giving me a first hand, some early 20 year old, will give me a very modern day perspective to that culture. But somebody who's evolved over the, I think bahut sare elders jinse hum milte hain aaj ki date mein, we are here in 2021. I mean, they have seen India at a very younger age. Yes. An independent India, or maybe a lot of buzurg se jinse main bhi milta hu, they are born before the partition, right now in their 40s, in their 30s, 1930s, hai na? And they have seen India over the ages of war, the economic development. Unhone ye era dekha hai of having no telephone and no electricity, to a Netflix, to a Rolling Frames entertainment, right? To an Amazon, whatever we, they're watching us, they're watching this program. And they've seen, matlab, no telephone and then 5G. I mean, everything they have seen. Aaj ki generation ne dekha hi 5G hai, 4G hai. Those are born today, they are born on a computer era. I mean, you know, and isliye they have seen perhaps too much. I see that as a very rich concept, because they've seen everything. The thrill of having the first computer in the office and everybody going to learn. I mean, आज के किसी मैं 10, 12, 15 साल के बच्चे को ये फीलिंग नहीं समझा सकता कि एक पीसीओ में एसटीडी कॉल करने के लिए आपको वेटिंग लाइन में खड़ा होना पड़ता था. ओ सीरियसली, आई मीन दैट हैपेंस. मैंने कहा, हाउ डू यू मेक अ कॉल? ओ, आई फेस टाइम, आई व्हाट्सएप. आई मीन इट्स लाइक राइट देयर ऑन द फिंगर टिप्स. बट आई नो वेयर एक्चुअली वी हैव ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम. यस यस, है ना? वी हैव सीन द वीसीआर एरा, वी हैव सीन द मोबाइल कॉन्ट्रा और वो मारियो वाला एरा, कैसेट डाल डाल के, है ना? एंड देन एंडिंग वही हमारे लिए तो ये सब लेके आए हैं. ट्रू, है ना? एंड बाहर से होम डिलीवरी जब शुरू हुई, मैं मतलब कितनी चीजें हैं यार, मैं हमारे बड़ों ने कितना जोमैटो तक, मतलब ये स्विगी जोमैटो, मतलब जो फूड डिलीवरीज भी शुरू हुई, कितने एरा से उठ के यहाँ तक लाए कि वो पहले खुद साइकिल पे लेने जाते थे हमारे लिए, स्कूटर पे लेने जाते थे. हम अपने एसेट्स को, हमारे हमारे लाइफ के इनवैल्यूएबल एसेट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हम, दे आर नाउ बिकमिंग आवर किड्स, यू नो. जैसे कि हम एक बच्चे को बहुत पेशेंटली सिखाते नहीं हैं कि उसे नहीं समझ में आता, हम उसे और प्यार से समझाते हैं. हम अपने बुजुर्गों की तरफ भी इम्पेशेंट हों. इफ दे आस्क अस वन क्वेश्चन 3 times 4 times, आई मीन व्हाट्स द हार्म इन रिप्लाइंग इट विद extreme politeness, even for the fourth time. Do you hear out such stories from people ki, I mean, they have not been treated, or they are not being received that well now as
they were received earlier. I mean, इतनी फिल्में बनी हैं हमारे इंडिया में ओल्ड एज के ऊपर. I remember watching a film when I was growing up, मतलब बागबान, मतलब it was such a beautiful film when your parents, बच्चे उनकी लाइफ होते हैं, फिर बच्चे जब अपनी लाइफ बना लेते हैं तो उनके बड़े रह जाते हैं. एंड एंड दैट्स वाई आई मेड अ फिल्म कॉल्ड द टाइड ऑफ टाइम, है ना. एंड आई फील इट वॉज नीडेड. वी प्रोड्यूस दैट फिल्म इन 2017. एंड आई मीन आई ऑलवेज फेल्ट वाई आर वी ओल्ड एज होम में जाने की नौबत ही क्यों है. आई मीन इफ यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी फैमिली दैट मे बी अ वेरी very 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 extreme case. But if you have family, then why do you have to go to an old age home? I mean, did you meet people, unse baat ki, unna din la galla hui hai ki why this whole situation arise? There are complex layers. Like when you are also sharing, bahut sari cheeze aayi hai, hai na. So aap confuse hoke helpless bhi ho sakte hai, yaar inna kuch ki kariye. Like when you are also saying, तो like इधे चापा की कर सकते हैं. If you ignore everything, like keep it aside for a moment, like आप उत्ते होने हैं, बहुत simple जी चीज़ है. Focus on कि एक ना feeling होती है, fostering दी या love and care दी. जी. If you approach with that, like if it is not already activated, make effort to activate that. Like you approach an elderly, trying to see ki jo bhi hoga, like I have to, like similar as you said, like they are similar to kids. So apa bahut hi jadon apa bacche nu dekhde apna ikko dam oh automatically ho janda, hai na. So if you approach with that, you would be able to find how beautiful it is. How beautiful it is to take care of somebody, and what you will receive in return, that feeling will change your life. For me, that's contentment. That wo... So, and sanu seniors to na sikhan nu bhi bahut kuch milda. Wahin se to seekhenge. Matlab, I mean, seniors se seekhna is like learning from school or a college. I mean, आप पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरू करके स्कूल थोड़ी जाते हैं, आप स्कूल से शुरू करके पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाते हैं ना. तो लर्निंग हमेशा अपने से बड़ों से ही मिलेगी. डेफिनेटली छोटों से भी मिलती है. आई मीन ये नहीं मैं कहता, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा जिसने एज है जिनकी उनके पास एक्सपीरियंसेस कम होंगे, उनको अपने एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस ना करने आते हो, दैट मे बी सिंग और मे बी दे मे बी गुड एट हाइडिंग देयर एक्सपीरियंसेस, मे बी दे डोंट वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस बट दे हैव एक्सपीरियंसेस. सो वही बात कि जब आपने बोला कि बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, आस्क अ पेरेंट, लाइक न्यूली जो अभी पेरेंट बने हुए हैं, पेरेंट्स बने हैं, उनसे पूछ के देखो उनके लाइफ के डिफरेंट, क्योंकि कोई बताएगा ना कि आपको कि अच्छा लाइफ ऐसी है, ये है वो है. जितनी लाइफ उन्होंने स्पेंड की, नाउ दे आर पेरेंट, लाइक दे वुड बी अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन. क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पर्सन, जैसे आपने बोला कि उसको बताने ना आते हों, बच्चों को भी नहीं आते, बट व्हेन यू एंगेज विद देम दैट गिव्स यू अ डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे लाइफ को. सिमिलर विद लाइक एल्डरली, डोंट गो, कईयों को बहुत होता है कि यार ये इनके पास बहुत स्टोरीज हैं, इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, विजडम है, तो हमें एफर्ट करने चाहिए कि वो डिलीवर कर सकें ये टू नेक्स्ट जनरेशन. आई गेस उसके अलावा वही है कि इंगेजमेंट रखिए और आप उनके, बिकॉज समटाइम यू लर्न थ्रू अनकॉन्शियसली, एक दूसरे के साथ एक कंपनी में आके आप बहुत कुछ सीख जाते हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि सीनियर से सीखनी हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है. आपके दोस्त आपको सब कुछ बता देंगे, सब फैक्ट, लाइक यहाँ पे बैठे हुए, लाइक हम कोई भी दुनिया का कैसा भी कोना, इवन नाउ स्पेस वी हैव, लाइक ठीक है वहाँ पे आ गया. हाउ टू बी रिजिलियंट, अडेप्टेबिलिटी कैसे होती है, हमने पैंडेमिक देखा पहली बार. सीनियर्स अभी भी वो अपनी लाइफ में कहीं ना खुशी, लाइक व्हेन यू आर कंप्लीटली लो, गो टॉक टू योर सीनियर. लाइक जो हमारे एज ग्रुप में, जो मेरे एज ग्रुप में
दिक्कतें हैं, विद दैट ओपन माइंडसेट गो एंड टॉक टू सीनियर्स. लाइक डोंट गो एंड आस्क सॉल्यूशंस, बट उनकी लाइफ के बारे में जानना शुरू करोगे, यू विल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, राइट, यू विल हैव डिफरेंट विजडम कमिंग टू यू विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर टू डील विद योर चैलेंजेस. आई कैन बेट फॉर दैट. लाइक मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी टीम में इतने यंग लोग हैं, व्हाट कीप्स देम गोइंग, हाउ डिड यू, व्हाट कीप्स देम गोइंग, आई मीन यू हैव, यू नो दैट यू हैव फाउंड योर स्पेस, हाउ डिड दे रेजोनेट, हाउ डिड दे फाइंड योर गोल्स सिमिलर टू देयर गोल्स, एंड क्योंकि इंटरेक्शन जितने भी हमारे सीनियर एज ग्रुप है उनके फेलोशिप्स, उनके लिए मीनिंगफुल एंगेजमेंट, उनकी एक्टिविटीज को कौन सा एज ग्रुप है आपके साथ जो ये आपके साथ सारा मैनेज करवा पा रहा है, आपको सपोर्ट लैंड कर पा रहा है, कैसे आप? सो वो सब यंगस्टर्स हैं, मेरे से 5-10 साल आगे और 5-10 साल पीछे भी. तो इंटरेस्टिंग यही है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ग्रे शेड्स के बारे में, दिस इज़ अ यंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीनियर सिटीजन. लाइक एनर्जी जो ये लेके आते हैं और जो नीडेड भी है दोनों का साथ रहना, वो यहाँ पे हो रहा है. डेफिनेटली क्या रहते हैं कि हमारे नीड्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे गोल्स जैसे आपने बोला, जितने लोग आज तक हमारे साथ जुड़े और जितने लोग अभी नहीं हैं साथ में, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और ब्यूटिफुल हुई कि वो हमेशा सीनियर्स के साथ हैं अभी, राइट, लाइक द एक्सपोजर दे गेट बिकॉज सिस्टमेटिक और सिस्टम वाइज मेरे लाइक फादर साइड ग्रैंड पेरेंट्स आर नो मोर, मदर साइड दे आर इन लुधियाना, आई हार्डली गो एंड गेट टू स्पेंड टाइम विद देम, बट वेन एवर देर इज अपॉर्चुनिटी आई डू गो. तो ऐसा ही होता है बाकी बच्चों के साथ भी. सो नाउ आई गेट टू स्पेंड टाइम विद सीनियर्स बिकॉज आई एम वर्किंग विद देम, एंड माई एक्सपोजर वर्किंग विद द सीनियर इन अ थर्ड स्पेस वेयर दे आर नॉट डायरेक्टली योर ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम एबल टू एम्पथाइज मोर बिकॉज विद अदर पीपल. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या होता, मैं तो इनको जानता हूँ, मुझे घर से भी बोला गया है, लाइक घर पर भी कुछ ऐसे बोला नहीं गया होता, बातें होती हैं कभी ये बुढ़े हो चुके हैं, और बच्चों में भी दिमाग में आ जाएगा ये बुढ़े हो चुके हैं. ग्रैंड पेरेंट्स के जो सिचुएशन होती है घर में, बच्चे वैसा ही सीखेंगे और दिमाग में बिल्ड करेंगे. बट वेन दे कम टू ग्रे शेड्स टू वर्क वॉलेंटियर इंटर्न, दे सी अ डिफरेंट स्पेस ऑल टूगेदर जो उनको ऑलरेडी गिवन नहीं दिया गया, ये टेम्पलेट है, ये सीनियर हैं, आपकी नानी दादी ऐसे करेंगी, एंड दे एक्सेप्ट इट. वेरी रेयर दे वेयर दे ट्राई टू क्वेश्चन वाई, लाइक और क्रिएट अ सिस्टम विच इज मोर ऑफ हेल्पफुल टू द एल्डरली इन दी होम, बट वेन दे कम वर्क विद अस डू वॉलेंटियर दे रियलाइज, लाइक जो मैं बातें आपको आपके साथ कर रहा हूँ, डिफरेंट सेटअप, and when they go and see their own parents, that's a completely different picture. Different setup. So, लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, but उनके जो relationship हैं अपने parents के साथ और अपने elder parents, grandparents और people around. So that empathy is something which you build, you learn, and you just need exposure and right place to learn it from, and then you can go and practice everywhere. इंदर, जैसे किसी ने ग्रे शेड्स के साथ जुड़ना हो या फेलोशिप ग्रे शेड्स की एक्सेप्ट करनी हो, तो व्हाट इज़ द वे, हाउ डू दे कॉन्टैक्ट यू, व्हाट इज़ द वे प्लीज? सो एक तो जो हमारे सीनियर्स हैं ट्राई सिटी में हैं, तो कोई भी दिक्कत है दे कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस, वी विल ऑफर यू व्हाट सर्विसेज वी आर ऑफरिंग, अदरवाइज वी विल फिगर आउट अ वे कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकें. वी विल रेज आवर लेवल अप टू फिगर आउट, एंड वो कॉन्टिन्यूस फीडबैक हमें मिलता रहे. तो एक तो काउंसलिंग हेल्पलाइन है और टोल फ्री नंबर है जहाँ पे वो आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं. नंबर है वो बताओ. दैट्स 1800-1800-833-2820. राइट. सो मैं आपको दे भी दूंगा, आप नीचे अगर इफ पॉसिबल, क्योंकि एक अगर डिजिट ऐसे ऊपर नीचे हो पॉडकास्ट में, क्योंकि ये लोग रीड नहीं करते हैं वो सुनते हैं. सो 1800-833-2820 और अदरवाइज
ग्रे शेड्स एनजीओ आप सर्च कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा ऑनलाइन, नंबर मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे हैं हम, इंस्टाग्राम फेसबुक, दे कैन सर्च फॉर grayshades.org.in और इट्स इजी टू टाइप ग्रे शेड्स एनजीओ इन चंडीगढ़ और लाइक ग्रे शेड्स फेलोशिप। सो ये कीवर्ड सर्च करके दे कैन रीच आउट टू अस, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देयर। जैसे जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, सिमिलरली grayshades.org.in वेबसाइट है, दे कैन रीच आउट टू अस एंड देन वी टेक दी वहां से। सीनियर्स जो हैं और जिनके बच्चे हैं, जो दोज हु हैव एल्डर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, यू कैन ऑलवेज गिव दिस टोल फ्री नंबर टू योर पेरेंट्स एंड दे कैन डायल एंड कनेक्ट टू अस। अदर देन दिस, काउंसलिंग और इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा वी डू ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, सो दे कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस, सो दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट। अगर आप कहीं भी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली से बाहर रह रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई भी सीनियर्स हैं या आपके पेरेंट्स ही हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप, जैसे इंदर ने बताया, ग्रे शेड्स एनजीओ को आप सर्च कर लें, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, मतलब आई एम एश्योरिंग दैट कि आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं एंड वी विल पास देम इट टू ग्रे शेड्स। अगर नहीं हेल्प करेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। ऑलवेज अकाउंटेबल, ऑलवेज अकाउंटेबल। मजेदार कुछ, कोई अच्छा कोई किस्सा या कोई मजेदार, कभी कोई एक यादगार पल जो आपको बेस्ट फील हुआ आज तक, किसी से बात करके आपको कोई बहुत अच्छे, कोई किस्सा हो गया हो कभी, जो नाउ दैट यू रिकॉल मे बी वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा, हमारा किस्सा। मेरे ना रिसेंट एक बहुत ही, अभी मैं अपने गया था और मेरी खुद की नानी का किस्सा है, क्योंकि आप सो डिफरेंट स्पेसेस में होते हैं ना, एज अ थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, खुद की नानी है तो आई वर्क विद सीनियर सिटीजन, तो घर वालों को भी थोड़ा सा रहता है कि सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं, अपने नाना नानी के पास भी जाओ और थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और मेरा हमेशा, क्योंकि वही रहता है, एक तो एज अ ग्रैंड चाइल्ड आई एम एट अ रिसीविंग एंड, और एक एज अ पर्सन हु एनी वे वर्क फॉर सीनियर सिटीजन, के वेयर आई कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ माई ओन ग्रैंड पेरेंट्स। तो नानी के साथ ये बहुत ही अजीब सा किस्सा हुआ, लाइक ऐसे मुझे किसी और सीनियर के साथ पता नहीं लगा। सो नानी के पास ना वो है डेंचर्स, लाइक दांत नहीं है तो नकली दांत लगाए हुए थे, एज हो रही है, तो उसके साथ साथ या लाइक एजिंग के साथ साथ और चीजें लाइक मोबिलिटी इशू है, ये वो, उनको भूलना शुरू हो गया है। तो बहुत डिफिकल्ट और दिक्कत वाली बात है, बट इट्स अ फनी फैक्ट ऑल्सो कि उनको भूल गया कि उन्होंने अपने दांत कहाँ रख दिए। सो लाइक द इनोसेंस कि वो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीपल, आई गॉट ओवरवेल्ड कि एक तो मुझे मजा लेने में मजा आ रहा था कि नानी नानी तू दांत बोड़ी है। जो मेरी ग्रैंड मदर साइड लाइक जेड़ा इधर परिवार की गल करिए, तो शी इज सिटिंग लाइक ऑन द टॉप विद 37 पीपल उनके ब्लड लाइन में, नाना की साइड अगर छोड़ दें, लाइक उनके उधर तो नहीं। फनी थिंग इज के शी इज मोर ऑफ लाइक कि अभी मुझे नहीं लगवाने, सो आई वॉज लाइक कि आपको दांत लगवाने चाहिए। बाकी फैमिली को भी ये लगता है कि इसीलिए ओवरवेलमेंट था कि अभी जैसे नाना को लगता है तुम्हारी एज हो गई है, क्या ही करना है, एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग के दो तीन साल ही और होंगे मैक्सिमम, टू लाइक वाई टू स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट, एंड फिर उसको डील करना। आई गेस द फनी इज इटसेल्फ लाइक शी लुक्स लाइक रियली रियली क्यूट एंड फनी टू मी बिना दांत से, बट लाइफ बिकम्स टू डिफिकल्ट कि आपको वही चीज़ खाना पड़ेगा, आपको वैसे ही अभी डाइट एंड बिकॉज लॉट ऑफ लाइफ, दीज आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैप्पीनेस ना, यस एब्सोल्युटली, लाइक व्हेन यू आर एबल टू ईट व्हाट यू वांट टू, बट इफ यू डोंट हैव इट बिकम्स अ डिसेबिलिटी। सो वी आर लाइक नाना को तंग कर रहे थे कि सो नाना इज लाइक के क्या ही करना है अभी तुम्हें दांत लगा के,
एंड वी वर लाइक कि अगर आप चबा के देंगे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तुम्हें जो खाना है मैं चबा के दूंगा. सो बहुत सारा मजाक भी हो रहा था, बट इट्स सीरियस इशू एज वेल. एंड जब उन्होंने भूलना शुरू कर दिया है, दैट्स गोइंग टू बी द मेजर चैलेंज फॉर द केयर टेकर एंड फैमिली. एवरी वन शुड बी अवेयर कि इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू. बिकॉज आई रियलाइज, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली, तो जैसे उनको अभी शाम का खाना खाया तो सुबह वो भूल जाएंगे कि आपने शायद मुझे रात को खाना नहीं दिया. राइट. एंड दैट्स स्केरी इटसेल्फ, बिकॉज दैट विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. वो खाना भूले हैं, वो मेडिसिन भूलेंगे, वो धीरे धीरे करके खाना कैसे खाना है वो भी भूल जाएंगे. Like there are patients at that age, we can say patients. When you reach higher stage of there is dementia, Alzheimer's, you would not be able to understand ke khana khana kaise. If you chew also, tumhe bhool jayega ke tumhe usko andar leke jana hai. You will start forgetting day to day life also, like aapko washroom jana hai, kaise jana hai. सो दीज आर द थिंग्स आई गेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जब हम मीनिंगफुल एंगेजमेंट की बात करते हैं. सी वी हैव अ लॉन्ग लाइफ नाउ एंड इट कीप्स योर ब्रेन एक्टिव. आई फील कि ब्रेन और बॉडी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उन्हें यूज़ करना या उनका इस्तेमाल लेना बंद कर दोगे तो वो बंद हो जाएगी. सो वही एक अभी ट्रिक है कि एक तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और to have some joy and happiness in your life, you need to engage cognitive level, body level, but it becomes a mandatory task. Right. क्योंकि अगर आप ये, हमारी लाइफ बहुत लंबी है, life expectation, like expectancy is much higher than earlier. Facts are there. Like below 50 during those emerging years, 51 के अगर stats भी ले लें, 1951 के, अभी it's like around 70 and we have seen people like living up to 100 years. Yes. अगर वो mentally और उसमें active नहीं है, वो खुद नहीं है, तो family focus नहीं कर रही है कि वो कैसे रहें, it is going to be a difficult time for the person and definitely for the family around. Like those who are caretaker, because हम भी नहीं देख सकते ना, कि अगर नाना नानी अगर हायर एज पे हैं तो वी ऑल्सो वॉन्ट कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतना ही रहे. लाइक इट्स नॉट इट सेल्फ इज अचीवमेंट टू इंक्रीज द लाइफ विच इज लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड माइजरी, बट एट द सेम टाइम इफ दिस इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन कम्स विद क्वालिटी ऑफ लाइफ देन इट्स अचीवमेंट. बिल्कुल वही ना, आप ज़िंदगी भर काम करते हो, मतलब पढ़ते हो, फिर आप कमाते हो, और हम इंश्योरेंसेस ले लेते हैं, अब हम अपनी ओल्ड एज के लिए लेते हैं, अब मेरा हार्डली वेरी फ्यू पेंशनेबल जॉब्स लेफ्ट ऑल्सो. पहले तो पेंशन भी होती थी कि ओल्ड एज की लिविंग के लिए आपको मिल जाती थी, अब तो देर आर वेरी फ्यू गवर्नमेंट में भी नहीं मिलेगा मॉडर्न डे जॉब्स, हाँ, जिनमें आपको पेंशन मिलेगी. इसलिए जितनी भी हम एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट या मनी माइनिंग करते हैं अपनी लाइफ में, वो हम इस डर में करते हैं कि जब हम एक एज ग्रुप में चले जाएंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, है ना. और अगर तब भी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ ही आपकी सफ़र हो रही है, यानी कि आपको मिल नहीं रहा है, आप उस एज में जाके कुछ खा ही नहीं पा रहे हो, या आपको आपका हैप्पीनेस इंडेक्स ही नहीं है, तो द विल टू लिव ऑल्सो कम्स टू अ स्टेट ऑफ डिक्लाइनिंग. लाइक इंदर, मैंने लोग देखे हैं, दोज हु आर नाउ रनिंग एट द एज ऑफ 70, दे आर वर्किंग आउट एट द एज ऑफ 80, आई मीन दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फंटास्टिक कुकिंग एट द एज ऑफ 90s. वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव फौजा सिंह साहब ऑन आर शो. आई मीन ही इज 110 एंड ही इज वॉकिंग, ही इज लिविंग एन एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड ही इज सो हैप्पी. वी आर ईटिंग पकौड़े,
एंड बर्फी एंड आई कांट एब्सोल्युटली टेल हिम कि बाबूजी यू शुड नॉट ईट और अ पकौड़ा बिकॉज हेल्थ खराब हो जाएगी एंड लाइक आई कांट से दैट बिकॉज इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस इन दैट स्पेस टू से दैट बिकॉज एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट इन द एनर्जी इन द एनाटॉमी ऑफ लाइफ विल प्रूव मी रॉन्ग बिकॉज इफ फौजा सिंह साहब कैन ईट पकौड़ाज इवन अ बिट ऑफ इट मतलब डिपेंडिंग ऑन द एपिटाइट ऑल्सो और विल एट दैट आर ऑफ द डे ऑल्सो इफ यू आर नॉट दैट हंग्री टू ईट अ बर्फी मतलब अभी भी हम एक बर्फी का पीस उठाते टाइम यू फील लाइक मेरा वो हो जाएगा नाउ यू सी मी चेंजिंग शेड्स ऑफ हेल्थ इन द एंटायर सीजन ऑफ आर पी अनप्लग्ड सम डेज आई एम लुकिंग वेरी लीन सम डेज आई एम लाइक गेन्ड लाइक केजीज ऑफ वेट एंड दैट्स अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई एम ऑल्सो हैपनिंग टेकिंग प्लेस ओवर बट यू कांट रियली टेल यू नो देम एट अ सर्टन एज कि डोंट डू दिस डोंट डू दिस डोंट डू दिस अरे बाबा दे हैव ऑलरेडी स्पेंड देयर टाइम ऑफ लाइफ इन सच अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ अफेयर आई थिंक एक यंगस्टर को आज के टाइम में एक स्टार्टअप करना एक वो करना पेरेंट्स आर मोर इंकरेजिंग देन यू नो आर एल्डर्स और देयर फोर फादर्स वांट दैट इंकरेजिंग दे केम फ्रॉम एन एरा वेयर स्टार्टिंग लाइफ और जैसे आपको सपोर्ट मिला आई मीन इफ यू गो एंड स्पीक टू एल्डर्स एट देयर लेवल ग्रेजुएशन की तो यू जॉब हैज टू बी देयर बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली अब देयर इज मतलब वेरी फ्यू मतलब यू विल सी वेरी फ्यू सो हैप्पीनेस इज द की यार मतलब अगर इस एज में भी आके आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो मैं सोचता हूँ आपने कब किया मतलब मिडिल एज में यंग एज में आप करियर बना रहे हो मिडिल एज में आप बच्चे भी देख रहे हो और पेरेंट्स भी देख रहे हो देन यू कम एट अ सर्टन एज व्हेन यू आर ऑलरेडी एट वन साइड ऑफ द रिवर ऑफ लाइफ ट्रू तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू नीड टू फाइंड वेज फॉर पीपल एंड टू गेट कनेक्टेड विद पीपल हु आर जस्ट फोकसिंग ऑन यू बिकॉज देन यू आर एक तो स्टेज आएगी ना जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो ये वो स्टेट मैं मानता हूँ तो इट्स सच अ मतलब इंटरेस्टिंग थिंग एंड ऑल्सो अ थिंग जो मुझे लगता है कि हमें बहुत सोचना चाहिए इस बारे में और आई एम श्योर लोग सोच रहे हैं और नहीं सोच रहे हैं तो इंद्रप्रीत हैं ग्रेशियस है आपको कह रही है कि आप सोचें एंड ये यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉट ओनली अबाउट सीनियर सिटीजन एक तो जो हमारे पास सीनियर है उनका तो डेफिनेटली हमें सोचना है और सोचना पड़ेगा बिकॉज जैसी सोसाइटी हम आज से बिल्ड करना शुरू कर देना वो कल को हमें इम्पैक्ट करेगी क्योंकि आपने भी होना है मैंने भी होना है सब बूढ़े होंगे लाइक वी आर एजिंग फ्रॉम द डे टाइड ऑफ टाइम वो तो हाँ सो वी ऑल आर एजिंग फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न सो दैट्स द ट्रू एंड फैक्ट तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में ये बात किया था कि रिटायरमेंट वो है आने वाले टाइम में जब हम होंगे तो विल डेफिनेटली थिंक के ऐसे रिटायरमेंट तो नहीं होना है लाइक 60 इज नॉट व्हाट वुड बी स्टॉपिंग आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर हाँ सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम बोल रहे हैं कि सोचना पड़ेगा अगर आज एक टाइम पे एक पर्सन 40 का है उसका आज का वर्क एनवायरमेंट हाउ दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ विद दैट हैप्पीनेस और वो That will also go on कि वो 60 में कैसे होंगे So it's not like when you are at 60 you will start preparing कि मैं आगे कैसे अपनी life spend करूँगा So that's how like engaging with the aging population today you will realize कि how like it is going to impact your own life when you will get old and people around So एक तो definitely हमें अपने घर के आसपास खुद के लिए देखना है एक हमें देखना है कि सोसाइटी हाउ वी विल इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज एज अ सोसाइटी एज कलेक्टिव कि जहाँ पे देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू स्टे मीनिंगफुली इंगेज वन व्हेन यू आर सेइंग लाइक फौजा सिंह जी हैं बहुत सारे और लोग हैं वी हैव लाइक पीपल 82 में वो लाइक शी मेक्स अमेजिंग आर्ट सो डेफिनेटली देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच वी लाइक ट्राई टू डीप डाइव के ये लोगों में एक्स्ट्रा खास क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है सो हाउ वी कैन क्रिएट अ सोसाइटी विच विल लाइक नरिश द एजिंग पर्सन इन अ वे वेयर दे आर मोर ऑफ लाइक क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं ना आज के टाइम पे
दे ऑल्सो फील लॉट ऑफ स्टीरियोटाइपिक लाइक स्टीरियोटाइप एज शेमिंग हो रहा है क्या ही कर लेंगे आप है ना तो वो कितना ही इनकरेज करेगा और लोगों को दो ही स्टेज में मैंने देखा है या तो बहुत यंग हैं इफ दे कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज तो क्या ही कर लोगे तुम अभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है अगर आप बहुत एज में चले आप रहने तो आपने बहुत कर लिया आई मीन बंदा कब करेगा एक्सपीरियंस में तो आदमी शेयर करेगा कि मैंने क्या किया या सो लाइक जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट निकल के ये आया है कि आपको फील लाइक यू मेक श्योर योर एल्डर्स एट होम वन फील वैल्यूड Another second important thing is they are encouraged. Valued, encouraged and happiness. मैं तीसरा जोड़ूंगा. I guess that would be the vibe. Like when they feel valued, when they feel encouraged. They'll feel happy. They will feel happy. When you see like within this context, कि like try to ask yourself how your parents like because वो एक it's very subjective, right? So how you will make sure they are valued, they are encouraged. And कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है कि वो छोटे छोटे gestures भी important हैं बाकी they will figure out, like they have lived their life, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं आप जी सकते हैं लाइक वो खुद ही कर लेंगे एरा में अभी हम हैं they've seen almost every changing shade of a generation's evolution. टीवी देख लिए फोन मैं उन चीज़ों पे आऊँगा इंटरनेट नहीं था फ़ोन भी नहीं था इंटरनेट भी आ गया फ़ोन भी आ गया मोबाइल भी आ गया कॉर्डलेस भी आ गए वॉकी टॉकी भी आ गया सब कुछ आ गया 5G आ गया मतलब दे हैव सीन एब्सोल्युटली ब्लैकआउट्स वॉर ब्लैकआउट से लेके टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत स्केरी है यशस्वी द रेट ऑफ चेंज जो सोसाइटी में जब चीज़ों में आया वो पहले लंबा समय लेता था जी वो अभी कम समय लेता है एंड दीज आर द पीपल हु आर स्टिल लाइक लर्निंग एंड अपना पेस बना के रख रहे हैं हम लोग पता नहीं उतनी बिकॉज आने वाले टाइम में द रेट ऑफ चेंज विल बी मच मोर इंक्रीज समटाइम्स टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतना चेंज हो जाती है टिल वी लर्न अडॉप्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट बाय द टाइम इट स्टार्ट्स बिकमिंग ऑब्सोलीट एवरी टाइम यंगस्टर कम्स टू मी एंड आई फील कि क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो कह रहे हैं आप यूज नहीं कर रहे आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हो आई एम लाइक मैन आई डोंट हैव मच टाइम टू यूज व्हाट ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स हैं एंड मीन ही और शी इज यूजिंग लाइक 10 न्यू प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर टीचिंग अस न्यू थिंग्स सो आई थिंक फॉर एवरी जनरेशन इवन यू आर ओल्ड यू आर लाइक नॉट कूल I'm like I feel sometimes I'm the most uncool person sometimes mujhe bhi wo feeling aati hai kabhi kabhi but I don't let that sink into me I mean nobody tells me ki bhai you are not cool okay unke liye I'm not cool but that's okay I know what I am and what I can do and yeah. I'll find means to do my own life to lead my own life to figure out my ways to do it And that's about it. And that's about them. And आपने बहुत beautifully इसको बोला that you empower them, you make them feel valued, and happiness will follow. Yes, yes. Yeah. And it will it applies to every age group. Every age group. हम बस उनके लिए करना भूल जाते हैं. I think great. मतलब उनके लिए भूल जाते हैं. मतलब I considering we are talking about senior citizens. I mean we have like grey hair. So grey shades I think has started at this age only I mean you should start focusing at the 30s 40s and 50s also now because now you've seen ki people have started having grey hair and grey beards at a very younger age and mere khud ke ho gaye you have adapted you know you have imbibed them and I think that's more hereditary but I think the evolution of this impact of hereditary things have also started you know coming at a very younger age hamari baatein yun hi chalti rahengi and it's been a pleasure to have you and you know ki itni baatein hamare paas karne ko you know the experiences the impacts And how do you deal with these things? But I think you're doing a commendable job and your team at Grey Shades is doing a wonderful job. Agar aapko kabhi bhi lagta hai that you have elders even close to, in close proximity of your house and they are unsafe. Maybe you are going out and you used to meet some elders in the park. Suddenly you don't find them, you don't see them. You feel that they are not being attended well or they are not being treated well.
or in some certain case. And if you feel that right now at this age or at this stage when you discover this, that you don't want to report that to any police or any help, I feel you should reach out to Grey Shades. Inder and his team of volunteers and his team in his core team will definitely, but then you give them the right set of information ki kaun hai, kahan rehte hain, kya karte hain, unhe kya help ki zarurat hai. So I feel you should reach out to Inderpreet and the team of Grey Shades. So hamare paas aise aate bhi hain kuch calls jaise emergency level pe, to हमारे लिए वहाँ पे सीखने को होता है अभी बहुत कुछ, लाइक हाउ सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग, हाउ, बिकॉज वन पर्सन प्रॉब्लम कैन बी डेफिनेटली सॉल्व एट लाइक विद सर्टेन कनेक्शंस या वो, बट हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम एट अ डीपर कोर लेवल वेयर दीज इंसिडेंट नहीं हो, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, लाइक आप अपने आप को कैसे एजिंग देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स को कैसे देखेंगे, जो लोग सुन रहे हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग दैट अटेंशन, राइट, कि वो इम्पॉर्टेंट है एंड एट सोसाइटी हाउ वी आर गोइंग टू, बिकॉज इंडिया का जितना हम अभी बोल रहे हैं कि इट्स अ यंग नेशन, इट इज गोइंग टू बी ओल्ड नेशन, लाइक वन इन लाइक अराउंड टू डिकेड्स फर्दर एक्चुअली गोइंग आउट, मीन दे अ लॉट ऑफ people that I meet here and jo age bracket bhi hai working space mein, they are also getting old, right. Like 20 saal mein, 2 decades mein, like there are reports saying like 1 in every 8 person on this world jo buda hoga wo India mein reh raha hoga, and we have 100 million plus population, 2011 ka census hai, 2019 mein they confirmed like it is around 140 plus millions, and it is going to grow 3 times, 300 millions 2015 tak, like 2 decade mein. And this decade is something which we need to focus on preparing India as a country, ke jahan pe yahan ke log jab elder honge wo kaise apne aap ki, like how there will be a higher quality and improved well-being of life for senior citizen in India. तो यही time है हमारे लिए to prepare. Otherwise, then there will be a struggle that time also. Life तो चलती रहेगी, but as a India, like as a country, we need to invest, and definitely like there are certain steps which are being taken. तो I'm hopeful कि ऐसा रहेगा. Secondly, जो आपने बोला कि अगर कोई ऐसे case आते हैं, definitely please do reach out to us. So in case like, because there we are not able to take care of abandoned people, so that's the space where we also feel helpless, जहाँ पे हमें होता है कि उनको, पर अगर कोई मान लो आपको reach out करे और बताए कि है, तो and if somebody needs help, तो at least they can call you, you can figure out a way. Yes, we can figure out a way. So हम like for like anyone from like jo bhi ye sun rahe hain, they can reach out to us when their parents are alone living in Tri-City. They need any help with maybe going out, if they want to speak to some professional in terms of sirf baat karni hai kisi friend ke saath, if they are feeling lonely, helpless, anxious, family mein kisi ke saath unko baat karke abhi nahi feel ho raha hai, if they are feeling lonely and kuch occupy nahi kar pa rahe hain because COVID is there, they can reach out to us. There are weekly engagement programs, right, with us, and yes, ke ye jo narrative hum baat kar rahe hain, hum to hai hi, let's all together at our individual places also make sure like our elder feel, agar hum apne apno ka khyal rakh paaye, yes, so I think we'll make this world a very safer place, a very emotionally fulfilled place, a very happy place, I think. Yes, yes. तो इंदर, आपके लिए हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, एरोमा मस्क की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया हैम्पर है फॉर ऑल द गुड वर्क दैट ग्रे शेड्स इज डूइंग. थैंक यू सो मच. है ना, एंड अनदर सरप्राइज इज फ्रॉम एलिस्टोस. बहुत ही अच्छी दोनों हैम्पर्स, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब यार. सो दिस इज इंदर, दिस इज फॉर ग्रे शेड्स. इन्हें आप रखें और अपने अच्छे अच्छे रिमार्क्स दें. मैंने कहा बता दें इंदर को कि ग्रे शेड्स
क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहा है एंड वी वॉन्ट टू थैंक यू गाइज फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ जॉब. एंड आपको आज आके आज RFE Unplugged पे कैसा लगा? पहले तो थैंक यू कि टू इनवाइट एंड ऑल्सो हैव दिस मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन. आई लव दिस फ्रॉम द फैक्ट के जैसे आपने ऑलरेडी एक फिल्म बना चुके हैं, यू आर ऑलरेडी अवेयर पर्सन इन टर्म्स ऑफ के जब हम सीनियर्स की बात कर रहे हैं तो और उस चीज़ को हाईलाइट करवाना बिकॉज यू आर अवेयर एंड इट्स समथिंग विच इज़ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन इन रिटर्न फॉर मी वेर आई कैन गो बैक एंड थिंक एंड दीज कॉन्वर्जेशन लाइक दिस टूडे हेल्प मी ऑल्सो टू गो एंड रिफ्लेक्ट कि हम और अपना अच्छा वर्जन बन सकें टू हैव कॉन्वर्जेशन डायलॉग विद इन सेल्फ एंड विद द टीम एंड देन दैट गॉट रिफ्लेक्टेड टू आवर वर्क. थैंक यू सो मच. तो मेरी और इंदर की बातें तो यूं ही चलती रहेंगी. हम मिलते रहेंगे, हम कॉन्स्टेंटली साथ में काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू जुड़े भी हुए हैं. पर आप लोगों को ये प्रोग्राम देख के कैसे लगा एक तो हमें ज़रूर बताइएगा और सुन के भी, देख के भी और सुन के भी कैसे लगा. तो आप लोगों को ये प्रोग्राम देख के और सुन के कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा. तो कीप वॉचिंग RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. This is me, Ojasvi Sharma, and Inderpreet signing off for today. Keep watching Rolling Frames Entertainment. Thank you.